और रायबरेली से बड़ी खबर, जिला जेल में मनाया गया रक्षाबंधन। बहनों ने भाइयों को जेल में बांधी राखी, जेल प्रशासन ने बहनों के लिए की व्यवस्था। 200 से अधिक बहनों ने बांधी राखी, राखी बांधने आई बहनों ने की प्रशासन की सराहना। तो बड़ी खबर आपको बता रही है रायबरेली से, जिला जेल में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया गया है। बहनों ने भाइयों को जेल में आकर राखी बांधी है। जेल प्रशासन ने बहनों के लिए विशेष इंतजाम भी किए थे। 200 से अधिक बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी है और बहनों ने की प्रशासन की सराहना। जी सर, यहाँ पे पूरी व्यवस्था हुई है, यहाँ पे सब्जियाँ और थाली वगैरह सब चीज मिली है, राखी मिली है, मिठाई भी हम लोग लेके आ पाए हैं, पूरी व्यवस्था है। जी सर, धन्यवाद देना चाहते हैं प्रशासन की तरफ से, लोगों को राखी बांधने के लिए उनकी व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे जो है जेल के जो मंत्री महोदय हैं और हमारा जो कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं हैं, उनके द्वारा एक स्पष्ट निर्देश थे कि ये हर साल की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे अपने पूरी भव्यता के साथ और पूरे हर्षोल्लास का मनाया जाए। इसके लिए हमने शासन की मंशा अनुरूप सब तरह से व्यवस्था करी है कि बहनों को, जो बहनें आएंगी और जो बंदी भाई हमारे हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। आपने देखा होगा कि बाहर हमारे द्वारा इनके लिए जो है विशेष व्यवस्था करते हुए पंडाल लगाया गया है, जिससे कि उनको कहीं रुकने उकने में परेशानी ना हो। साथ ही साथ हमने इसमें मेडिकल डेस्क का भी एक प्रबंध किया है। मान लीजिए किसी की तबीयत कुछ बिगड़ जाती है, खराब होती है, तो उसके लिए हम उसे उस वक्त हम दे सकें। पानी की व्यवस्था की है और अंदर आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे बंदी भाइयों ने बड़ी रुचि लेकर के बहुत अच्छे ढंग से इस पूरे पंडाल को सजाया है। और देवरिया से बड़ी खबर, रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर तमाम तैयारियां की गई। रक्षाबंधन त्यौहार की रौनक भी देखने को मिली। विधायक जयप्रकाश निषाद ने बंधवाई राखी, बहनों ने राखी बांधकर आशीर्वाद दिया है। तो देवरिया की ये तस्वीरें जहां पर रक्षाबंधन त्यौहार की रौनक आज देखने को मिल रही है। विधायक जयप्रकाश निषाद ने बहनों से राखी बंधवाई है और बहनों ने राखी बांधकर जयप्रकाश निषाद को आशीर्वाद भी दिया है। तो देवरिया से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां विधायक जयप्रकाश निषाद ने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ में अपने आवास पर मनाया है, बहनों से राखी बंधवाई है और बहनों से आशीर्वाद भी लिया है। दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का रिश्ता माना जाता है। आज रक्षाबंधन का महापर्व है, जिसमें आप देख सकते हैं मैं इस समय पहुंचा हूं देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा के पूर्व में रहे मंत्री और वर्तमान में है विधायक जयप्रकाश निषाद के यहाँ, जहाँ ये जो पीछे भीड़ दिख रही है ये सारी वो बहने हैं जो पवित्र धागा लेकर अपने भाई की कलाई पे बांधने के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घायु आयु के लिए यहाँ उनके पास पहुंची हैं। और सबसे पहले यहाँ कुछ बहने आई हैं, पहले इन लोगों से मैं बात करूंगा कि आप यहाँ किस लिए आई हैं और क्या आप अपने भाई के लिए कहना चाहती हैं? आए हम विधायक जी की राखी बांधने के लिए करते हैं, हम लोग मानते हैं, बहुत लोग आए हैं, राखी बांधने के लिए बुलाए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। क्या सोच रखती हैं अपने भाई के लिए और क्या कहना चाहेंगे? भगवान उनको खुश रखते हैं, लंबी भाई दे। आप ये रक्षाबंधन को लेके क्या कहना चाहेंगे? ये भाई बहनों का प्यार है, अपने भाई के लिए, लंबी आयु के लिए हम लोग रक्षा बांधने आए हैं अपने भाई को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कहा खास और तमाम ये रुद्रपुर विधानसभा के तमाम जगहों से बहने पहुंची हैं और इस समय मंत्री जी के पास उनसे उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए। नोएडा से बड़ी खबर, जेल मंत्री दारा